तो स्वागत है आपका फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की थर्ड वीडियो में। इसमें आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपना चेस्ट, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइंड बारबेल प्रेस। हम इसके 3 सेट्स लगाएंगे और वेट ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले लो वेट से हम अपनी चेस्ट मसल को एक्टिवेट करेंगे एंड देन हम धीरे धीरे अपना वेट इंक्रीज करते जाएंगे। सो फ्रॉम लो वेट हम जितना हो सके उतने रैप्स लगाएंगे, जिससे कि हमारी चेस्ट की मसल्स एक्टिवेट हो जाएं एंड हमें इंजरी के चांसेस कम हो। टिप नंबर 1, अगर आप किसी भी तरीके से रॉड पर वेट लगा रहे हो तो स्टॉपर्स जरूर यूज़ करें, जो कि आपके वेट्स को कंट्रोल में रखेगा। अदरवाइज वेट डिसबैलेंस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये है हमारा सेकंड सेट, और जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि मेरा मेन मोटिव रहता है अपने पीआरस को हिट करना। सो मैं लाइट वेट से अपने मसल्स को एक्टिवेट करता हूँ ताकि मेरे पीआरस में मेरे को इंजरी के चांसेस कम हो। सो इस वेट पर मैंने 2 से 3 रैप्स लगाए हैं, जिससे कि अगर मैं अपने पीआरस पर ट्राई करूं तो वो वेट मेरे से इजीली उठ जाए एंड मेरी मसल्स करेक्टली रिस्पॉन्ड करें। पर जैसा कि बोलते हैं कि होने को कौन टाल सकता है, मैंने अपने पीआरस को ट्राई करने के लिए अपना मैक्स वेट डाला, बट कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे लेफ्ट आर्म पर कि उस वेट को मैं पुश ही नहीं कर पाया। और हमें हमारे जिम ब्रोस को हेल्प के लिए बुलाना ही पड़ा। थैंक्स टू माय ट्रेनिंग के इतने सालों से मैं जो ट्रेन कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी मसल्स में कोई इंजरी के चांसेस नहीं थे एंड आई डिड 1 more rep विद सपोर्ट आफ्टर फेलिंग माय पीआर। तो सच बताऊँ हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो हमने वेट को कम करके जो हमारा पुराना पीआर था उस पर 1 रैप लेने का ट्राई किया। तो जब भी आप किसी भी पीआर को पास करने से फेल हो जाते हो तो कभी भी ये मत सोचना कि ये मुझसे नहीं हुआ, बल्कि अगली बार और ज़्यादा पावर के साथ एंड और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हम उस पीआर को क्लियर करेंगे। आफ्टर सम पम्प मैंने की पोजिंग, बिकॉज मसल पम्प इतना शानदार था कि मैं पोज करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है सीटेड केबल फ्लाई। तो हम स्टैंडिंग केबल फ्लाई इज अ बेसिक एक्सरसाइज एंड सीटेड केबल फ्लाई में आप अपने लेग्स से कोई भी पोटेंशियल नहीं ले पाते हो, सो दैट आप सिर्फ अपने चेस्ट मसल को ही फोकस करते हो एंड दिस इज वेरी एफिशिएंट एक्सरसाइज टू ग्रो योर लोअर चेस्ट। क्योंकि काफ़ी सवाल आता है कि हम अपने लोअर चेस्ट को कैसे ग्रो करें, सो ट्राई दिस एक्सरसाइज वंस एंड इफ यू फील द पंप कमेंट बिलो योर सजेशंस। थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द केबल फ्लाई, जिसको मैं अपनी वेस्ट के बराबर एडजस्ट करता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई एक्सरसाइज। वेस्ट तक इसीलिए
बिकॉज इंक्लाइंड बेंच प्रेस पर हमने अपना अपर चेस्ट ट्रेन किया था एंड सीटेड केबल रो में हमने हमारा लोअर चेस्ट ट्रेन किया था. सो नाउ इट्स मिडल चेस्ट विच इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चेस्ट. जब हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं तब एक्चुअली में हम ट्रेन अपने पूरे चेस्ट को ही कर रहे होते हैं, बट उस चेस्ट के डिफरेंट मसल ग्रुप्स को भी ट्रेन करना इम्पोर्टेंट है. सो दैट यू विल गेट अ 3D चेस्ट विच विल गिव अ गुड लुक टू योर फिजिक. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो में.